पॉइंटेड सेल, स्मूथ पॉइंटेड कट करने वाले, बहुत ज्यादा, एक पॉइंटेड होता है एक ब्लंट होता है। अब यहां हम जरा देखेंगे कि ये फाइबर जो है कहां पे लोकेशन है, नीचे लिखे लोकेशन, हाँ लोकेशन कहाँ है प्लांट बॉडी में। ये फाइबर पाया जाता है वैस्कुलर टिश्यू के अराउंड में, वैस्कुलर टिश्यू के अराउंड में पाया जाता है, और इट मे ऑल्सो अकर बिलो द एपिडर्मिस, कहाँ पे, बिलो द एपिडर्मिस। तो फाइबर का काम क्या होता है, हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर प्लांट्स, इट हेल्प ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट, कौन, फाइबर। एस्क्लेडिस क्या है, ये डेड सेल है, क्या है ये, डेड सेल। स्फेरिकल शेप होगा, ओवल होता है, सिलिंड्रिकल होगा, लेकिन हाईली थिक डेड सेल, और इसका जो डेड सेल है इसलिए इसकी कैविटी होती है बहुत नैरो होती है, बहुत पॉलीगोनल सिलिंड्रिकल, ओवल सिलिंड्रिकल स्फेरिकल, हाईली थिकेंड डेड सेल। तो जब डेड सेल है तो मतलब कि स्ट्रांगली यहां पे लिग्निफाइड होगा, ये लिग्निफाइड है यहां पे, ये अब लोकेशन, ये पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ फ्रूट वॉल पे, कहां पे, फ्रूट वॉल पे, लाइक नट्स पल्प फ्रूट, लाइक ग्वाभा पियर्स, ये सारे के सारे फ्रूट पल्प पे पाया जाता है, ये फ्रूट के वॉल पे पाया जाता है, ये लोकेशन है इसका, नट्स पल्प ऑफ फ्रूट लाइक ग्वाभा पियर्स एंड सपोटा, एस ए पी ओ टी ए, सपोटा फ्रूट, सपोटा खाते भी है कोई, हमको तो पता नहीं आ रहा यार, सपोटा मार्केट में मिलता है लेकिन हिंदी में क्या नाम है ध्यान नहीं आ रहा, हाँ वही है सपोटा मिलता भी है, नहीं यार बेर तो दूसरा, वही वैसे ही होता है वो सपोटा, सपोटा के नाम से बहुत फेम है वो, बट उसका हिंदी गूगल वूगल में देख लेना था, हिंदी दे दे तो दे दे पता, हाँ वैसे ही तो बेचता है कह के। वहीं पे लोकेशन है एस्क्लेडिस का, जो कि डेड सेल है, हाईली लिग्निफाइड होता है, और इसका लोकेशन तो पता है ना कहाँ है, उसी के अराउंड में होता है, जाइलम एंड फ्लोएम के अराउंड में। अब इसका फंक्शन लिख लो एस्क्लेडिस का, ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है, इसका कैमा वही चीज करेगा, लिखने की जरूरत नहीं है, रिजिडिटी फ्लेक्सिबिलिटी ये सब मेंटेन करता है, हाँ तो अब किसको देगा, वही सब मैकेनिकल सपोर्ट देता है, फ्लेक्सिबिलिटी रिजिडिटी ये सब मेंटेन करता है, क्योंकि इसी के पार्ट है ना, इसी का तो है, इसका कैमा गया तो बस वही करेगा और क्या करेगा, वो जो वो लिखे हुआ यहाँ पे मेंटेन कर हो जाएगा। खत्म कहानी, तीन कहानी खत्म हुआ ना, अभी कहानी चलेगा कॉम्प्लेक्स का, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स, ये तुम लोग जानते हो कॉम्प्लेक्स में दो है,
जैले में फ्लोए में बहुत पहले से भी पढ़ते आते होगे। टू टाइप के होते हैं, जैलम एंड फ्लोएम। जैलम का फंक्शन तो सबको पता होगा ना, है? अच्छा एक बात बताओ क्या अरे वाटर को कंडक्ट करता है, लिखते जाओ ना। जैलम इज द परमानेंट टिश्यू दैट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द प्लांट्स। यही करता है ना, ये यही काम है इसका। जैलम ऐसा टिश्यू है जो वाटर को कंडक्ट करता है और मिनरल को कंडक्ट करता है रूट से प्लांट तक। अब कहानी ठीक लगा, अब आप लिख रहे हो। तो अब यहाँ पे आता है कि जाइलम कितने पार्ट्स के बने हैं। लिखो, जाइलम इज कंपोज्ड ऑफ फोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। कितने? फोर। ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड एक और क्या है देखना, तो क्या और क्या है उसमें? हाँ, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा, चार टाइप। जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर थर्ड में होता है, जाइलम फाइबर्स वन टू थर्ड फोर, ये चार से बने हैं, ध्यान रखना। जाइलम यहाँ पे इसका आप थोड़ा सा डिटेल पढ़ा रहा है, डेप्थ में जा रहा है अभी। कितने से बने हैं ये? फोर एलिमेंट से कंपोज्ड हैं, ट्रैकेट्स, वेसल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम फर्स्ट। ट्रैकेट्स, ट्रैकेट्स लॉन्ग होता है। कैसा होगा? ट्रैकेट्स आर लॉन्ग, ट्यूबुलर होगा, लॉन्ग ट्यूबुलर होगा ना, ट्यूबुलर एंड डेड सेल। और इसका जो ल्यूमेन होता है वाइट ल्यूमेन होगा, ट्रैकेट्स का ही मतलब होता है, लॉन्ग डेड सेल, वाइट ल्यूमेन।